साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे के राखो शर्मा मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लख बदरो सुने जो काल कृपा कराए किया बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हमना सख्त कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी थर थर कंपै जीअड़ा थान बहुणा होए थान मान सच एक है काज न फीते कोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी बाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी आपा जी पावन पवित्र सतगुरु पातशाह महाराज का उपदेश सरवण किया है। ये दखणी ओंकार नामे जो बाणी है उहदे विचों आपां 34 ते 35 पौड़ी सरवण कीती। गुरमुखो दुनिया दे किसे पक्ष नूं वेखीए उहदे 3 अंग ने। पहला कारण, दूजी घटना ते तीजा सिटा। देन दुनिया के मालक सतगुरु नानक पातशाह महाराज संसार के जीवां नूं तारदे नर्मदा नदी के कंढे ते पहुंचे और उत्थे एक महान पुरातन हिंदू मंदिर भी है। उत्थों दे धार्मिक आगुआं ने सतगुरु पातशाह दे अग्गे कोई शंकिया का प्रगटावा किया। दीन दुनिया के मालक धन गुरु नानक पातशाह एक देनी सारिया के साझे हैं। कदे मेरा मालक जगन्नाथ के पाणियां नूं आरती करन दा ढंग दसदा है, किते मेरा मालक धन गुरु नानक पातशाह महाराज मक्के शहर विच काबे दे पावन अस्थान ते उथों दे धार्मिक आगुआं नूं अल्लाह दी होण तों जाणू कराउंदा भाई अल्लाह इक दिशी नहीं, वो खुदा इक पासे नहीं, एहो जी कोई जगह नहीं जिथे उस वाहिगुरू दा नवासा रहवे। इसे नियम के तहत सतगुरु पातशाह जो इत्थे पहुंचे उथों के कुछ धार्मिक आगुआ ने सतगुरु पातशाह महाराज नूं वख वख बेनतियां कीतियां ते मेरे मालक ने उन्हां दे शंकियां दा समाधान किया है। इस पवित्र बाणी का नाम जिवें आपां सरवण कर चुके हाँ दखणी ओंकार है। दखणी एक उपजाति है रामकली राग दी। ते जे आपां ओंकार की गल कर लीए ते ओंकार एक केंद्री धुरा है जिवें ध्रुव तारा एक है ते सारा ब्रह्मांड उस ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। इसे प्रकार जो ओंकार शब्द है ना सारा ब्रह्मांड
सारी उत्पत्ति इस ओंकार विचों है। असी ब्रॉड माइंडेड होके वक् वक् धर्मां का मुतालिया करिए इस ओंकार तो बिना कुछ होर मिलता ही नहीं। आपां हिंदुस्तान के धार्मिक ग्रंथां का मुतालिया करते हैं, उन्होंने ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम है कंठ पुराण, और उस कंठ पुराण में संसार की उत्पत्ति का मूल ओंकार नूं दस्या है। आपां गुरु के सिख हां, सतगुरु पातशाह महाराज की बाणी साडा जीवन है। आपां पढ़दे हां परमु आदि एक ओंकारा, सारयां दे आदि विच केवल ते केवल एक ओंकार सी। असी वक् वक् धर्मां नूं पढ़ीए बचिए, कुरान विच कुल शब्द संसार की उत्पत्ति का मूल मनिया है। असी असाइयत नूं पढ़दे हां, उत्थे लुगाज शब्द का जिक्र है, किते कुल की गल, किते लुगास की चर्चा, किते ओम का इशारा। यह केवल ते केवल अखरों का फर्क है, लेकिन मूल है ओंकार। आपां गुरसिख हां, रोजाना नितनेम विच ये पंक्तियां पढ़ते भी हाँ, सुनते भी हाँ। कीता पसाओ एको कुआओ, तुसीं कितें तरन तारण दे एरिए वल जाओ, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट विच हुण तरन तारण भी जिला है, उत्थे तुसीं आम किसी गुरमुख प्यारे नाल गल करो तो उन्हां दा इक सतार आम शब्द है, मैं कूंदा नहीं, मैं उन्हूं कुआया है, वह अगों कोया नहीं। कुआओ तो भाव एक बोल, और वह किहड़ा है, ओंकार। प्रथम ओंकार तिनका, सारियां तो पहला उस परिपूर्ण परमात्मा ने ओंकार शब्द उचारिया ते संसार की उत्पत्ति हुई। इस पवित्र सलेख थले सतगुरु पातशाह महाराज ने अज का यह पावन पवित्र दो पौड़िया की विचार करन दा आपां नूं सुभाग बख्शिया, और इस पौड़ी दे जो आरंभ दीआं पंक्तियां ने वो इस गल का संकेत कर दीआं ने। अपने मन विच पै रख, जदों कोई बंदा मनमानी करे, साडा मित्र होवे, शुभ चिंतक होवे, ते आपां तकरीबन उहनूं आम भाषा विच कहिंदे आ गुरमुखा को रब तों डरिया कर, इह आप आम कह दिंदे आ। डरना प्यार ते सत्कार दा संकेत है, ते जदों को मनुख आपणे आप नूं नमाणा करके किसे दे अगे पेश करदा ना, वह दरब जांदा है, वो टर जांदा है, वो तरस करदा है। इसे प्रकार ये पंक्तियां सानू इस गल तो सचेत कर दिया ने, सावधान कर दिया ने। गुरु के सिखा, अपने मन में वाहगुरु का डर रख, ते डर रख के उहदे अगे अरदास कर, उहदी वडियाई कर, और वह तेरे ते लाजमी रहमत करेगा। इहदे नाल नाल जिहनूं आपां पंजाबी दी व्याकरण विच विशेषण कह देने आ, अंग्रेजी दी ग्रैमर च उहनूं आपां अडजेक्टिव कह देने आ, वह भी कुछ इस पवित्र पौड़ी विच वरते ने। ते जिहने सतगुरु पातशाह रहमतां करनगे, इनू आपां विचारन दा यतन करना है, पर मन बड़ा चंद्रा है।
असी सुल्तानपुर साहब की कथा पढ़ते हाँ। मेरे पातशाह ने उत्थे मड़िया ते कबरां दी दरमियानी सांझी कंध ते खलो के आख्या सी, ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना मैं मुसलमान हाँ, मैं ना हिंदू हाँ। पांच तत् का पुतला नानक मेरा नाओ, ते जेड़े उस मौके दे धार्मिक ठेकेदार सन, धार्मिक आगू सन, उन्हें आख्या नानक तेरे अपने बयानां दे मुताबक, तेरी अपनी राय दे मुताबक तू ना हिंदू है ते ना मुसलमान है, सारयां दा सांझा है, ते साडा मन चाहुंदा भी तू साडे नाल नमाज पढ़। गुरदेव कहिंदे मैनूं कोई इतराज नहीं। जुम्मे दा दिन जिहड़ा कदे भी मसीत विच नहीं गया वो भी जांदा है, उन्हां भरावां विच बहुत वड्डा गुण है। वैसे वो तकरीबन पांच नवाजा पढ़ते हैं, पर जे कोई नहीं भी जाता तो कहें भी कम सो कम जुम्मे वाले दिन तो जाओ ना, तो आप चेता नहीं आता। मेरे पातशाह गए, नमाज आरंभ हुई तो मेरे पातशाह अडोल खलोते रहे। उन्होंने मुसलमान भरावों में एक मैं बड़ा चंगा गुण लभ है, वो नमाज पढ़द गल नहीं करते, उन्होंने नमाज पढ़द को अगों की लंघ जाए तो कहें ने साड़ी नमाज कदा हो गई, भंग हो गई। ये बहुत चंगे तो पक्ष ने, ना नमाज पढ़द गल करनी है तो ना नमाज पढ़द को अगों की लंघ जाए ते कहिंदे ये नमाज अल्लाह दे दर परवाह नहीं हुई। ते आपां तां गुरमुखों नाले पाठ करी जाने, गुरमुख नादों गुरमुख विदंग दे नाले कहिंदे मिठा घट रखी कि ये पाठ हो रहा है, की जुड़िया जा रहा है। आपां पढ़दे आ जपजी, बाणी दा नाम जपजी नहीं, सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दा प्रकाश तत्करा पढ़ के वेखणा जाप निशान है। साडे वडेरे इनू जपजी साहब तां कहिंदे सी, जपजी साहब तां कहिंदे आ सिखा जी करके जप कर, जिहनूं कहिंदे फ्राम दी कोर ऑफ हार्ट, अंदर दी तह तो जप कर, विखाले मात्र नहीं। असीं रहितनामिआं नूं पढ़दे हां तो उत्थे जिक्र आउंदा जाप जाप के जपे बिण जो जेवे प्रसाद, सो बिष्टा का जन धोए जन गुआवे बाद। जेड़ा जाप ते जाप दे पाड़ तो बिना शकन ते शिकाउन तक सीमत, वो गंदगी का कीड़ा ते उहदा जन्म इवें चला गया। जाप का भाव हुंदा है बोल करके उस परमात्मा की इबादत करनी, बंदगी करनी। गुरमुखो गुरु त्रिकालदर्शी है, तीन कालां दा ज्ञाता है। ये शब्द मेरे पातशाह ने सदियां पहला उच्चारण किते, क्यों किते? मेरे गुरदेव नूं इस गल का पता कि आने वाले समय दे विच लोकां ने डूमणा पाठ भी करना। डूमणा पाठ ये तुहानूं बड़ी अजीबो गरीब गल लगेगी, डूमणा पाठ की होया? मैं पेंडू हाँ, जड़िया शहद दिया मक्खियां होंदिया ने ना मोटिया, उन्हें कहते डूमणा, तो जो वह शहद लाने लगते हैं वह अपने मूँह को कवर कर लेंगे भी कितने मक्खियां ना लड़ जाए। अजकल एक नवा पाठ चलिया भी मूँह लपेट लेना, बोलना कख भी नहीं, अंग थली जड़े। जिन्ना चिर गुरमुखों आप जबान परमात्मा का नाम ना लिया साड़ी जबान सफली किवें होगी? मूल पेट लेना, पंजाह पंजाह पाठ रख लेने, एक पाठी नूं पाठ आउंदा बाकियां नूं आउंदा ही नहीं, ते मुड़ के ग्राही करनी कहिंदे जी असीं 400 पाठ कराया ते कीता इक ने भी नहीं। मैं अठवें पातशाह महाराज दे पावन स्थान तो
अपने सिख भाईचारे नूं बेनती करदा धर्म दे नाम दे ठेकेदारां तों बचो। धर्म दे नाम दे ठेकेदार और इन्ना वड्डा धोखा असीं जी पाठ करदे हां मर्यादा मुताबक नाल महाराज का प्रकाश है ते नाल जपजी साहब का पाठ कोई बात माड़ी दी बात नहीं करो। सौ अखंड पाठ रखाया एक जपजी साहब का पाठ हो रहा ते सौ स्वरूप प्रकाश ने ते सौ अखंड पाठा जपजी साहब के पाठियां के पैसे खा के की लुटनी है कि यह धर्म के नाते ठगी नहीं। जे मर्यादा जपजी साहब पूरी होंगी तो तुम सौ जपजी साहब क्यों नहीं दिखाया। मैं अकाल तख्त को समर्पित हाँ केवल ते केवल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की पावन बाणी का पाठ किया जाए असी अपने आप नूं कर्म कांडा विच ना पाईए। जब दा पावे बोल करके बाणी पढ़नी अंतर गुर आराधना जेवा जाप गुर नाओ रोजाना पढ़ते हैं। जब दा पा बोलना मैं बेनती कर रहा सा कि ओ बाणी पढ़द्या बोलदे नहीं उन्हां दे को अगों लंघ जाए तो कहते नमाज कजा हो गई। साडा बापू सारे पिंड तो वध शराब पींदा है असीं भोग पवाउणे आ मरग दा दशहरे दा ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी फोटो रखदे वी मेरे शराबी प्यो नूं मत्था टेको। गुरु के सिखो शब्दे पुजारी बनो क्योंकि सानू हदायत है शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा बिन शब्दे जग बरानंग। एक नवा कम चलिया शरधांजलि समागम मर गया सारे पिंड विच चौतियां लाउंदा ते कहणगे जी ये बापू जी हत्थां दे बड़े सखी सन। बेबे मर गई लोकां दीआं पाथियां चुकदी ते कहिंदे बेबे बड़ी दयालू सी। मैं निम्रता सहित बेनती करां बंदियां दी वड्याई करके अपनी जिंदगी दे कीमती पलां नूं बर्बाद ना करिया करो। वड्याई करनी है ते केवल साहिब दी कीती जाए। वड्याई करनी ते केवल वाहिगुरू दी कीती जाए। मैं जज्बाती तौर पर नहीं कह रहा मेरा इष्ट मेरा मालक मेरा सब कुछ धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज है। ओ कहिंदे ने दुनिया ना सलाए जो मर वंज सी लोकां ना सलाए जो मर खाक थी। तो गुरमुखो नमाज संपूर्ण हुई ओ गुरमुख मैं तां क्या कि ओ अल्लाह दे सन्मुख नमाज पढ़ रहे सन। उन्हें आख्या नानक धर्म के नां ते मजाक नहीं करीदा। तुसी क्या सी कि मैं नमाज नाल पढ़ांगा ते पढ़ी क्यों नहीं। कहिंदे मैं वादा कीता सी नाल पढ़ांगा पर मियां जी तुसी काबले च घोड़े खरीदे सी। काजी साहब महसूस ना करना मैं किधर नमाज पढ़ता नवाब साहब काबल चले गए तुहाडे कर विशेरा है घोड़ी सूई है। तुसी विशेरे नूं मोड़दे सी भी मता विशेरा खूजना टिक पै। मैं नमाज किधर नाल पढ़ता साडा मन भी काबल की सैर करता है साडा मन भी विशेरे नूं मोड़दा है। इस करके मेरा अपने संस्कार ने भी जदों भी आपां विचार करदे हां उदों उस मन नूं काबल तो मोड़िए विशेरे वाले पासे तो मोड़ के गुरु दे चरणां च लईए ते उहदा इक इक ट्रेंड है तरीका है। वह सारे बोलो सतनाम वाहिगुरु। हां जी थर थर कंपै जीअड़ा इहनू आम पिंड बोली च कहिंदे ने थरन थरन। साडे इलाके च जो कोई बहुता डरे तो कहिंदे क्यों थरन थरन कंबदा है। हे परिपूर्ण परमात्मा मेरा मन कंबदा है मैं भी तां मैं डरदा है ते सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी पावन बाणी च डरन दा कारण भी लिखिआ है की कारण है। सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विकसेत। आपां किते विद्यार्थी बन के जाइए ना विद्यार्थी
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪੜਿਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜਾ ਟੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਵੇਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਦਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਦਨ ਵਵੇ ਤੇ ਲਾਂ ਦਰਦਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਵੇਦਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਦਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਮਿਲਿਆ ਵੇਦ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੇਦਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬੜਿਆ ਨੰਨਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਭਾਵ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਤਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੇ ਹਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਨ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇਗੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮੂਰਾ ਨਾਲ ਮਾਸ ਰੋਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਫੇਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲਾ ਹਾੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਔਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਗੁਣ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਸਭ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕਥਾ ਵਾਰਿਕ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਫਲਾਨਾ ਰਾਗੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੰਠ ਤੈਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਬ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਂਝ ਕੀਜੇ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਘੱਟ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ
मेरे गुनाह इन्ने ज्यादा ने कि मेरा मन कंबदा है, मैं भय पीत हां मेरी तिरमत कर। थान बहूना होए, सो थान बहूना होए खाली थां। मैं तुहानू एक देसी जड़की मिसाल दिया, आड़े बल्ब जगदे ने ना, इस बल्ब दे अंदर जेड़े इस बल्बां नू बनाउण वाले विज्ञानी लोग ने उन्होंने एक वैकूम पैदा किया। वैकूम कहते हैं खला नू, वैकूम। इस तरह ये तेरे अंदर पै तां है, तू डरदा तां है कि तू उस परिपूर्ण परमात्मा की होंद नू अपनी मन्निया ही नहीं, तू उस परिपूर्ण परमात्मा नू सर्वव्यापी जानिया ही नहीं। ते गल बनेगी किवें, अगे ढंग तरीका दसदे हन। मान मान सच एक है, मेरे पातशाह कहिंदे प्यारिया आसरा देण वाला, थान दा भाव आसरा देण वाला, मान तो भाव मान देण वाला, सत्कार देण वाला, अदब देण वाला, जिहदे ते कृपा करे जिहनू कोई नहीं पुछदा। मैं एक गल तो बड़ा प्रभावित हाँ, ननका पटना साहब गुरु पातशाह दे दो जोड़े पए ने, एक कलगीधर पातशाह महाराज दे खड़ावा और नामी पातशाह दे पुगे। लकड़ तो लकड़ है ना, उन्हां दी की वैल्यू, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु के चरणां नाल छोड़ करके गुरमुखो वह जुत्ती भी पूजन दे योग बन गई। इस करके मेरे मालका चलन वाला भी तू है, मान सम्मान देने वाला भी तू है, ते नाल लफज है सच। सच का पाउन दा एवर लास्टिंग। आप जन्ने बैठे हैं ना, आप कुछ समा पहला नहीं सा जिन्हों गुरबाणी च इवें लिखिया, दृष्ट मान है सगल मथैना। मथैना का भाव मिथ्या का अर्थ हुंदा है कि जेड़ी चीज ना पहला होवे ना बाद विच होवे, केवल ते केवल वर्तमान समय ते प्रतीत होवे, उन्हूं कहिंदे ने मिथ्या। प्रतीत है पर असलीयत नहीं। सच जां साच दा अर्थ है जेड़ा सी, जेड़ा है, जेड़ा आउण वाले समय विच होवेगा, जिन्हूं आप अंग्रेजी विच कहिंदे एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। तो मेरे पातशाह कहिंदे भाई मान देण वाला भी वह, चलण वाला भी वह, ते याद रखी इहनू दो चार ना बना ले। वो केवल ते केवल एक गुरु है, केवल ते केवल एक परमेश्वर है। आज ना फीटै कोई, ते गुरमुखा जे तू ओदा हो जाए, ओदी रहम दा पात्र बन जाए, ते तेरी जिंदगी का कोई भी कम, तेरा कोई भी मनोरथ जरा अधूरा नहीं रहेगा। पर एक गल का ख्याल रखिया, जे मनोरथ चंगा होवे, साडे कई बार मनोरथ बड़े गलत होंदे ने। मैं बाबा करतार सिंह खालसा जी को पढ़िया ते सानू उन्हां दृष्टांत पढ़ाया सी एक बार, ते किसी बंदे ने भोले नाथ की बंदगी की, उन्हां दे बारे साडे हिंदू भरम च विश्वास है कि बड़ी जल्दी खुश होते हैं। भोला नाथ जी आया कि मित्रा तू बड़े चिर तू मैनू चेते करदा, तेरी मंग की है? कहन लगा जी पहली गल मेरे नाल प्रोमिस करो कि तुसीं जो वचन कहते पूरा करोगे। कहते बिल्कुल, पर एक शर्त है कि जेड़ी चीज तू मंगेगा तेरे गुआंढियों नू दूजी दूनी मिलेगी। ते कहन लगा जी पुआड़ा तो इसे गल दा है, मारने तो गुआंढी दे। मैं तो तेनू तां चेते किया भी गुआंढियां का पट्टा साफ हो जाए, तो चलो मैं हारिया तो तू जितया, पर हुण एक काम कर, इस वहदे ते कायम रहीं भी जिहड़ा मैं मंगागा देवेगा, तो गुआंढियों ने धूना कहिंदा चलेगा। इउं कर, मेरी एक अख काणी कर दे, मेरे दरवाजे च खूह ला दे। कहिंदा मैं समझिया रे तेरी एक अख काणी, तू मतलब
कह लगा मेरिया एक हो जाएगी उन्होंने दो दो होगिया ना ये साडा टारगेट है पर गलत असी गुरु के सिख हाँ साडे वडेरिया ने सानू एक लैसन दिता है पर आप अमल नहीं करते की है नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबाता पला सब को मीत हम आपन की ना हम सब ना के साजन तो इस प्रकार मेरे पातशाह कहते गुरमुखा कोई भी एहो जा मनोरथ नहीं एहो जा कोई फुरना नहीं जेड़ा ओ गुरु परमेश्वर तेरा पूरा ना करे तेरा नारायण तेरा गुरु नारायण तो भाव ओ परिपूर्ण परमात्मा जो दिसदा नहीं पर है इहदे विद्वान पुरशां ने बहुत लंबी चौड़े व्याख्या कीती है रहण तो भाव अनेरा रहण तो भाव अग्ञान क्योंकि ओ परिपूर्ण परमात्मा है ही नूर ते याद रखना चानन ते अनेरा कठे नहीं रह सकते चानन ते अनेरा कठे नहीं रह सकते इस प्रकार ओ प्रकाश रूप परमात्मा सदीवी तौर पे है और गुरु भी सदीवी है गुरु भी सदीवी ते परमात्मा भी सदीवी असी कलगीधर पातशाह का शुकराना नहीं करते अकिरत काणा सानू गुरदेव ने अमर गुरु दे लाल लाया जिहड़ा मरदा नहीं बड़े पीर आए पैगंबर आए उन्हां दीआं बरसियां मनाउंदे आ दशहरे मनाउंदे रहे पर केवल ते केवल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ना ये मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चूके भोग इस बापू का दशहरा नहीं आएगा इस बापू की बरसी नहीं आएगी साढ़े ते सतगुरु पातशाह ने परोपकार किया सानू उस अमर गुरु दे लाया ते आपा पंक्ति सरवण कीती है थिर नारायण थिर गुरु परमात्मा भी थिर है गुरु भी थिर है ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नाले रब है ते नाले गुरु है टू इन वन किवें वाहो बाणी निरंकार है तिस जीव डवर न कोय इहदा अर्थ है बाणी तन है परमेश्वर स्वरूप है इहदे बराबर कोई नहीं ते सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह कहिंदे सिखा बाणी गुरु गुरु है बाणी पर यह भी ख्याल रखी जिवें आपां कहिंदे भी तू दुपहरे सुरह का पाठ किया कम नहीं चंगा किया दुपहरे सुरह का पाठ नहीं करीदा बड़े परेशान होंदे आ ते जितना आप अखंड पाठ रखवाए उदो सोलह पहला ही होता ना सवेरे दस बजे साढ़े दस बजे ग्यारह बजे गुरदेव कहते गुरमुखा सारी बाणी अमृत रूप है बाणी ते किंतु ना करी विच बाणी अमृत सारे ते नाल गुरबाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु नस्तारे जो गुरु की बाणी कहती सेवादार बन के नमाणा बन के ओनू मनेगा ते गुरु की बाणी संसार परपंच तो तेन बन्ने कर देगी तू मेरे पातशाह कहते मित्रा गुरु भी सदीवी है परमेश्वर भी सदीवी है साचा बेचार और ओ गुरमुख जन जिन्हें सच्चे दी विचार कीती ओ आज भी जिंदा 13 तरीक नूं आपां बाबा धन्ना जी नूं चेते कीता है 600 साल हो गया आखिरकार आप जिस परिवार नाल संबंधित हाँ अपने दादे परदादे होणगे ना ते सानू उहनां दे नावां दा पता भी नहीं आप जिन्हां दी औलाद ना साडे दादे परदादे आप बहुत दे बंदे परदादे तक जाणदे ने दादे ते दादे नूं बहुत घट जाणदे ने लेकिन बाबा धन्ना जी 600 साल बाद भी अज भी जिंदा अज भी वह गुरमुख जान वह भगत जान वह परमेश्वर दे प्यारे जिन्हां दे अंदर सच्चे दी विचार है ना वह भी अमर ने वह भी सदीवी रूप विच हन नर नाथ है नाथ तो जिवें वख वख महकमे ने यह डिफेंस मिनिस्टर है यह फाइनेंस मिनिस्टर है जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर वह वित्त महकमे च दखलअंदाजी नहीं करता पर उहदा दायरा सहमत है रखिया मंत्री रखिया तक सीमित है खजाने वाले पासे नहीं पर
जेड़ा परिपूर्ण परमात्मा ना वो सारिया का कंट्रोलर है, सारिया का मालक है। सुर नर, सुर देवते, नर मनुख ते जेड़े अपने आप नू नौ नाथ होंदे ने उन्हां नू नथण वाला भी तू है। नाथ अर्थ कंट्रोल करवा, नथण वाला आड़े पेंडू जिमीदार ने ना जेड़ा कोई डंगर खराब करे उसके नक च नथ पा लेंदे, कहिंदे डंगर नथिया गया और जाएगा नहीं। इस प्रकार वह परिपूर्ण परमात्मा मनुखां ते देवतियां नथ पाउण वाला पाव उन्हां दा कंट्रोलर है, उन्हां दा मालक है, वह सारे उहदी आग्या च ने। ते नाल लफज है तू, तू तो पाव यूनीक बहुते ने। यह नहीं कि दो चार रब ने इन्हां दा रब हो रहा है ते साडा हो रहा है। तू तो पाव यूनीक, केवल ते केवल एक तू है जिहड़ा सारिआं ते कंट्रोल करदा है, सारे तेरे अधीन ने। और असी दसम पातशाह की पावन बचत पढ़ते तो सुनते हैं, बिन करतार न कृत मानो, एक बिन दूसर सो न चनार, एक तो बिना दूजे की जान पछाण भी ना रख। तू हे वाहगुरु, तू देवत्या का मालक, तू मनुखा का मालक, जेड़े अपने आप में वड्डे वड्डे नाथ गवा गए वह भी तेरे हुक्म दे विच नथे हुए ने, वह भी तेरे आग्या च ने, उन्हां दा कंट्रोलर भी तू है। ए तारा आधार, ते जिन्हां दा कोई आसरा नहीं उन्हां दा आसरा भी तू है। गुरु के सिखो, जिहड़ा निशान सब झुलदा ना गुरुद्वारे साहिब उपर, इहदा बड़ा डूंघा फलसफा जे। ये नहीं कि आप हमें पाए भी गड्ढे ते उपर पीला पड़का बदा, बिल्कुल नहीं। गुरु का निशान सब कहिंदा दुनिया के लोगो, जिन्हों का कोई नहीं उन्हों का गुरु नानक, जिन्हों कोई नहीं ना चलता उन्हों का गुरु नानक। गुरुद्वारे आने पर किसी को मनाई नहीं, आओ जी तू आओ हमारे। इस करके इहदा मतलब यह है, जिन्हों का कोई आसरा नहीं तू उन्हों आसरा देने वाला है, जिन्हों का कोई झालू नहीं उन्हों का तू झालू। साढ़े को इतिहास है, एक छोटा जा बच्चा उसके जमदे के दंद उगे ने ते रंग काला है। मां प्यो नूं वहम पाया कि तुहाडा बच्चा बड़ा कड़मा उन्हें सुट दिता। बारामूले की घटना है, आवाज बच्चे दे रोण की आई। धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह कहने लगे, गुरमुखो प्यारो, किसी बच्चे की रोण की आवाज आउंदी, निगाह मारो ते की वेख्या। कपड़िया च एक बत्ता बच्चा लपेटिया, रंग काला, दंद उगे ने, ते किसी गुरसिख ने आख्या पातशाह बड़ा कोथरा है। ते धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह कहने लगे, ना भाई इहनू कोथरा ना कहो, ये सुथरा है। और गुरु घर विच उहनू मान सम्मान मिलिया, गुरु घर का वह एक अंग बनिया। इस करके मेरे मालका, जिन्हों का कोई आसरा नहीं उन्हों का केवल ते केवल एक तू ही आसरा है। सर्वे थान थनंतरी, फिर साढ़े मन ने शंका किया कि जेड़ा वह एक वाहगुरु है उसकी रेजीडेंसी कित्थे है, वह कित्थे रहिंदा है। ते मेरे पातशाह कहिंदे, गुरमुखो सारिया थावां दे विच, सारिया थावां, थान थनंतरी का की अर्थ है? अंग्रेजी दो लफ्ज ने एट ते इन, जेड़ा थान है ना एट, थनंतर तो भाव इन, वो बाहर भी ते अंदर भी है। सर्वे थान थनंतरी, सारिया थावां दे उप, सारिया थावां दे विच वो है। दाता दातार, ए मेरे वाहगुरू तू सारिआं नूं दाता देण वाला है। दाता वह जिहड़ा लैके पछताउंदा नहीं, पछो नहीं तौंदा। आपां पढ़दे रोजाना गुरा एक दे बुझाई, जदों असीं इहनूं पढ़ना ना उदों विस्मिक चिन्ह लाउणा मूंह जबानी, लिखे नहीं गुरा विस्मिक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सलामेशन, मेरे गुरदेव मैनूं इह गल दी समझ पै जाए। गुरा एक दे बुझाई कि सबना जिया का एक दाता सुम विसरना चाहिए, जेड़ा सारे का एक दाता वाहगुरु है ना
ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਰ ਤੇ ਪਾਰ, ਪੁਰਲਾ ਬੰਨਾ। ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ, ਉਹ ਇਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਪੋਪ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਢੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਾਲੀਏ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੜੇ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਸਟ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ, ਅਗਮ ਤੋਂ ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਰਾਂ। ਅਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ, ਦਇਆਲ ਦਾ ਭਾਵ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਠੇ ਪਰ ਤਰਸ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲੇ ਹੈ, ਅਰਘਾਲੇ ਹੈ, ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਡਨ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ 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 ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਵੇਗਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਬੀਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਕਰ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਉਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ। ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਕਰ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਿਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਤੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ।
गुरबाणी पढ़ाउण वाला भी वह है, सेवा करवाउण वाला भी वह है। काढ़ की पुत्री कहां करी बपरी, खनावन आरो जाने। इस करके मेरे पातशाह कहते ने जिन्हां ते दया करना उन्हां तू मेल लेना अपने नाल। मैं ढाहे उसार किते बनाई जाना है, किते ढाई जाना है, किते मकाना दा जोर है, किते वधाइयां दित्तियां जा रही ने, किते मकाना दा जोर, किते वधाइयां दा बोलबाला। इस करके ढाउण वाला भी तू, बनाउण वाला भी तू। दाना तो बिना तो है, दाना तो पाव दना चतर, बिना तो पाव वेखण वाला। आप लफज बोलते खुरदबीन, दूरबीन, बीन का पाव हुंदा वेखणा, दूरबीन तो दूर वेखण वाला साधन। खुरद कहिंदे ने छोटी नूं, बरीक नूं, छोटी चीज नूं वेखण वाली नूं आपां कहिंदे खुरदबीन। इस करके तू दना है, तू हरक नूं वेखण वाला है। दाना कै सिर दान, तू दानियां दा दाना है, तू सियाणियां दा सियाणा है। साडे तां प्रताख मिसाल आपां जिथे बैठे हां, भी छजू बिचार नूं भला कि कथा आउंदी सी, छजू नूं कथा नहीं आउंदी। लाल चंद नूं माण है, माण हो गया। सतगुरु पातशाह मां ने छजू ते कीती कृपा, वह कहिंदा पंडित जी तुसीं श्लोक पढ़ी चलो ते नाल अर्थ भी नोट करी चलो। आप पढ़ते नहीं, पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंधले तिरपन सूझिया गुर भेट पुनीता। अन्ने नूं तिन्नां लोकां दी सोझी हो गई, जिहड़ा बोल नहीं सकदा बगता पड़ गया। इस करके मेरे मालका जिहड़े दाने ने ना वड्डे वड्डे, तो उन्हां तों भी दाना, तू दानियां दा करन वाला है। दालद पंजन दुख दलना, तू दलिद्र नूं नाश करन वाला, दाल तो पाव दलिद्र, गरीबी नाश करन वाला। दालद नाम है दलिद्र दा, ते दलिद्री बंदा गरीब हुंदा है। तू गरीबी नूं नाश करन वाला है, दुखां नूं दलन वाला है, ए तेरे च वड्डा गुण है। गुरमुख ज्ञान ध्यान, ते जेडे गुरमुख प्यारे गुरु दे सरमुख हो, गुरमुख तो भाव जिन्हां दा मूंह गुरु वाले पासे वल होवे। अज वीरवार जे गुरमुख तुहाडे तां मैनूं पता नहीं, पर पंजाब च कबरां तैन मेले लगे होणगे, मेले उन्हां दा मूंह कबरां वाले पासे है। ते मैं तां मंजीत साहिब बेनती करदा रहिंदा भी डर है मन में कि लोग पंजाब नूं कब्रस्तान ना कहण लग पण, भी कब्रस्तान है जिहड़ा सिख है ना, उहदा मूंह मुख केवल ते केवल गुरु वाले पासे वल है। गुरमुख दा भाव जिहदा मुख गुरु वाले पासे है, ते आपणा तां है नहीं। आपणे मौरी वाले पासे अखंड पाठ हुंदे ने ना, ते ऐन सारे टब्बर ने मौरियां बधियां होणगियां, सारे टब्बर ने ज्ञानी जी ए पार्टी सिंघां ने बन दित्ती है, ते कड़ा है ही नहीं मौरी दे निचा। फिर चेचे तौर ते कहणगे बाबा जी पाठ भावें पंज मिनट लेट कर दिओ, जौ लैइए जौ। पुछया भाई काहदे लई, कहिंदे जी बाबे नानक दी खेती है। मैं कहा बाबे नानक दी खेती ही नहीं, क्योंकि जौआं दी बीर बनदी है, ते इनडायरेक्ट तूं अरदास करदा भी मैनूं बीर मिल जाए। मैनू अज तक जौ का फलसफा नहीं लगा भी अखंड पाठ नाल जौ दी की संबंध है, मौली का की संबंध है। टुचरा नहीं टुचरा, याद रख गुरसिखा, तेरी कल्याण केवल ते केवल गुरबाणी ने करनी, इन्हां मौलियां ते जौ ने नहीं करनी, इन्हां कबरां ने नहीं करनी। गल पासे चली गई, गुरमुख तो भाव जिहदा मुख जिहदी अंदर दी सूई, जिवें समुद्री जहाज हुंदा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਾਸ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸੂਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ जिदे अंदर एक कंपास लगा, तो वह दो पासियां वल सुधा रखता, केड़ा एक मौत
एक परमात्मा जी दी एक सुई वैगुरु वाले पासे हो गए ते दूजा उन्हूं मौत चेते हो गए जिन्हूं वैगुरु ते मौत चेते हो गुनाह नहीं जे करता वो बुरा कम नहीं करता। इस करके दलिद्र नूं नाश करन वाला है दुखां नूं दलन वाला है ते जिन्हां ने तेरे वल मूंह किया उन्हूं तू ज्ञान बख्श दिता ध्यान तो पाव कंसंट्रेशन एकाग्रता जिहड़ी उन्हां दी मन दी सोई है वह परमेश्वर वाले पासे वल चली गई। सतगुरु पातशाह साढ़े ते भी रहमता करन कि साड़ी भी अवस्था बड़े सानू मौत चेते रहे सानू परमात्मा चेते रहे ते जे दोवें चीज़ां चेते रहनगियां ना ते गुरमुखो आपां अपनी मंजिल तक पहुँच जावांगे। मेरे बाला प्रीतम जिन्नी मेरा भी तेरे दर ते आया खाली नहीं गए तेरे अगे अरदास बेनती बालका जिन्ना चिर प्राण ने तेरी वड्याई करिए जदों प्राण पंखेरू होने ने ते अपने चरणा विच थां दे इह मेरे मालका तेरे चरणा च अरदास बेनती है। सतगुरु पातशाह दा धन्नवाद गुरु के संगतां दा धन्नवाद प्रबंधक जणा दा धन्नवाद पूरे दी गल अधूरियां तों नहीं हुंदी बेअंत गलतियां होणगियां गुरु ते गुरु की संगत कृपा करके माफी बख्शे। दोबारा धन्नवाद जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली।